Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this particular session, I will be explaining you a very important thing and which is a part of this placement series, and that is how to build a strong profile. We need to understand one thing that bahut sari companies aaj ke date mein students ko profile building ke naam pe bahut zyada paise charge karti hai. In fact, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है, मैं उनका नाम यहाँ पे लेना नहीं चाहता, बट मैं डेफिनेटली आपको बता सकता हूँ कि वो कॉलेजेस में जाकर इसी चीज की प्रेजेंटेशंस देती हैं, वो स्टूडेंट्स को कहती हैं आपको कैरियर गाइड करेंगे, हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है, और इसके बदले में आपसे 50,000 तक भी वो आपसे चार्ज करती है. सो दैट इज द रीजन वाई मैंने सोचा कि ये सेशन शायद आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, कि अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं या आप अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आप अपने प्रोफाइल को कैसे बना सकते हैं, प्रोफाइल के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, वो सब कुछ हम यहाँ पर आज डिटेल में बात करेंगे. सबसे पहले जो चीज मैं आपको एक ये वाला जो थॉट है, ये जो मैंने आपके सामने शेयर किया, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे. वी नीड जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ एनी वन. दैट मींस आज से कुछ साल पहले तक क्या होता था, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं. आज से कुछ साल पहले तक क्या होता था कि अगर आप किसी भी एक चीज में अच्छे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गुड एट सॉफ्टवेयर कोडिंग, आप सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छे हैं तो आपका काम चल जाएगा. अगर आप सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग में बहुत अच्छे हैं तो आपका काम चल जाएगा. अगर आप मार्केटिंग में बहुत अच्छे हैं तो आपका काम चल जाएगा. दैट मीन्स देर वॉज वन टाइम, एक टाइम ऐसा चल रहा था 10-12 साल पहले, जहां पर कि अगर आप किसी एक चीज में अगर अच्छे हैं तो आपका काम बिल्कुल स्मूथली चला जाएगा, आपकी डिमांड बहुत हाई रहेगी, कंपनी आपको 100% आपको अपने साथ लेकर जाएगी, बिकॉज आपके चांसेस सक्सेस के बहुत बढ़ जाएंगे. बट अब क्या हुआ है, ट्रेंड हैज चेंज्ड. ट्रेंड कैसे चेंज हो गया, बिकॉज नाउ कंपनी लुक फॉर समवन, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया कि यहां पर आपको अब ऐसे लोग मिल जाते हैं जो बहुत सारी चीजों में अच्छे हैं. दे आर गुड एट सॉफ्टवेयर कोडिंग ऑल्सो, दे हैव गुड लीडरशिप क्वालिटीज ऑल्सो, दे हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स ऑल्सो, वो इंटरपर्सनल स्किल्स में भी अच्छे हैं, वो कुछ ना कुछ अच्छी हॉबीज परस्यू करते हैं, डांस कर लेते हैं, पेंटिंग कर लेते हैं. दैट मीन्स उनके पास जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है, इसके अलावा वो मास्टर ऑफ एनी वन, किसी एक चीज में वो बहुत अच्छे हैं. तो जब ऐसे लोग आपको मिलने लग जाते हैं तो वहां पर कंपटीशन इतना बढ़ जाता है कि इन दैट सिचुएशन अपने आप को सरवाइव करा पाना भी एक चैलेंज की बात है. एक्सेल करना तो बहुत दूर की बात है, मैं सरवाइव कराने की बात कर रहा हूं, बिकॉज आपके सामने एक ऐसा रूथलेस कंपटीशन वेट कर रहा है जो कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है, उसके पास सब कुछ है और साथ साथ वो किसी एक चीज में मास्टरी भी हासिल करके बैठा है. सो दैट इज द रीजन वाई प्रोफाइल आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, बिकॉज प्रोफाइल आपको इसी चीज को करने में हेल्प करता है. दैट इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ एनीवन. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाई डू वी नीड अ प्रोफाइल. हम प्रोफाइल होता क्या है, पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं. पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द प्रोफाइल, प्रोफाइल होता क्या है. तो इट इज अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज व्हिच अ स्टूडेंट मस्ट डू इन हिज एकेडमिक कैरियर टू मार्क हिज प्रेजेंस इन फ्रंट ऑफ हिज एम्प्लॉयर्स. अब कोई भी स्टूडेंट जब कॉलेज को ज्वाइन करता है, तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, या फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, या 3 साल का प्रोग्राम है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर, उसके पास एक अच्छा खासा टाइम होता है जिस टाइम में वो अपने एकेडमिक कैरियर को अलग लेवल पे लेके जा सकता है. ठीक है, उसके पास पूरी एक अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि वो उस अपॉर्चुनिटी को कैसे बनाता है, इन टर्म्स ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट एक्टिविटीज, इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एकेडमिक एक्टिविटीज, वो क्या कर सकता है. तो उसके पास जो ये पूरा टाइम है और वो उस टाइम को अपने प्रेजेंस को बनाने में, बिकॉज जब एम्प्लॉयर का टाइम आएगा, जब प्लेसमेंट का सीजन ऑन होता है, सो इन दैट टाइम आपको जो एम्प्लॉयर होता है उसको इंप्रेस करने के लिए आपके पास कुछ तो होना चाहिए ना. हम मार्केट में भी जाते हैं, किसी प्रोडक्ट को बाय करते हैं, तो उस प्रोडक्ट को कुछ ना कुछ तो देखकर खरीदते हैं ना, या तो उसकी पैकिंग अच्छी लगती है, या तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, या उसकी फंक्शनल यूटिलिटीज प्रोडक्ट की बहुत अच्छी लगती है, तो कुछ ना कुछ हमें उसका अच्छा लगता है तभी तो वो प्रोडक्ट हम बाय करते हैं, अदरवाइज व्हाई वुड बाय अ प्रोडक्ट. तो सिमिलरली यहां पर भी क्या कंसेप्ट है, यहां पर कंसेप्ट क्या है कि अगर स्टूडेंट को कोई एम्प्लॉयर अपने साथ जॉब देना चाहता है तो उसके पास कुछ तो ऐसा हो, कुछ तो ऐसी बातें हो, कुछ तो ऐसा चीज हो दिखा सके वो. अब यहां पर जो प्रोफाइल बिल्डिंग होती है वो जनरली दो तरह से की जा सकती है, एक तो इनफॉर्मल लेवल है, एक उसका फॉर्मल लेवल है. अब मैं दोनों समझा देता हूं. इनफॉर्मल लेवल का मतलब होता है कि आपका किसी चीज में इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल मेरा फाइनेंस में इंटरेस्ट है और मैं डेली सुबह शाम फाइनेंस के यूट्यूब चैनल्स को देखता हूं, ऑब्वियसली मेरी नॉलेज बढ़ रही है, राइट. मैं हर दिन कुछ ना कुछ नया सीख रहा होगा, मुझे बहुत सारी चीजें पता भी चल गई होंगी. बट जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए मुझे लगता है कि वो लर्निंग इंपॉर्टेंट है, बट उससे प्रोफाइल नहीं बनता. उसका रीजन क्या है, यूट्यूब आपको कोई सर्टिफिकेशन प्रोवाइड नहीं करता, ना तो वो कहीं वैलिड है. आप किसी को बता भी देंगे कि मैं यूट्यूब के चैनल्स को फॉलो करता हूं तो उसको हो सकता है कोई काउंट भी ना करे, लोग उसको आजकल हॉबी की तरह देखते हैं या टाइम पास की तरह देखते हैं. ऑन द अदर साइड आपके पास एक फॉर्मल चैनल है अपने प्रोफाइल को बिल्ड करने का. फॉर्मल चैनल मीन्स यू आर डूइंग सर्टिफिकेशंस, यू आर डूइंग कॉन्फ्रेंसेज, यू आर डूइंग एक्स थिंग्स सो दैट यू कैन गेट सर्टिफाइड फॉर द सेम. आपको उस चीज का सर्टिफिकेशन भी चाहिए, आपको ट्रेनिंग कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सो दैट कि वो आपकी प्रोफाइल में जाकर एड हो सके. तो वो प्रोफाइल बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है. अब यहां पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है, दो बड़े क्वेश्चंस. फर्स्ट, व्हाई, हमें क्यों चाहिए, व्हाई डू वी नीड अ प्रोफाइल, एंड सेकंड, हाउ.
तो इस पूरे सेशन में मैं आपको वाई और हाउ दोनों समझाऊंगा, दोनों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट द वाई फर्स्ट। सबसे पहले हम वाई के बारे में बात करते हैं कि प्रोफाइल क्यों बनाना जरूरी। विद एवरी ईयर राइजिंग कॉम्पिटिशन देर इज अ लॉट ऑफ पैरिटी अमंग स्टूडेंट्स। सो व्हाट इज पैरिटी ओवर हियर। मैं पैरिटी पहले थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। अगर एक क्लास में 90 स्टूडेंट्स है या 60 स्टूडेंट्स है, तो मैं ये देखता हूं उन 60 या 90 स्टूडेंट्स का प्रोफाइल आपको एक जैसा नजर आता है। एक जैसा का मतलब वो एक जैसी क्लासेस में क्लासेस लगाते हैं, उनकी सीजीपीए भी एक जैसी है ऑलमोस्ट, उन्होंने एक तरह के असाइनमेंट्स की हुई है, एक तरह के ट्रेनिंग्स किए हुए हैं, मतलब उनमें कुछ भी यूनिक बात नहीं है। यूनिक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। अगर एक बहुत सारे रेड बॉल्स में आपको एक व्हाइट बॉल नजर आएगा ना, तो आपकी नजर बार बार उस व्हाइट बॉल की तरफ ही जाएगी, उस रेड बॉल की तरफ नहीं। तो सवाल यह उठता है कि हम पैरिटी रेड बॉल है और डिफरेंशिएशन व्हाइट बॉल है, तो आप व्हाइट बॉल बनना चाहते हैं या आप रेड बॉल बनना चाहते हैं, ये कंप्लीटली आपकी चॉइस है। और मैं हमेशा कहता हूं कि अपने आप को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करो। बट यहां पर डिफरेंशिएशन का मतलब ऑड वन आउट नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम ऑड वन आउट हो जाएंगे तो हमने कुछ अलग किया है। डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ प्रोफाइल बिल्डिंग, मैं उसकी बात कर। सेकेंड, वी जस्ट कांट रिलाई ऑन कॉलेज सिलेबस एंड टीचर्स। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को देखता हूं कि वो कॉलेज को ब्लेम करते हैं, टीचर्स को ब्लेम करते हैं, सिलेबस को ब्लेम करते हैं। इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। दिस जस्ट अ कंप्लेनिंग एटीट्यूड विच यू हैव राइट नाउ। इससे कुछ भी फायदा नहीं होना वाला। आपको अगर कोई चीज का पता चल गया है, कोई प्रॉब्लम पता चल गई है, तो उसका सॉल्यूशन ढूंढने निकलिए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई सब्जेक्ट आपको इंपॉर्टेंट लगता है और उस सब्जेक्ट में कोई टीचर ऐसा पढ़ा रहा है जो आपको नहीं पढ़ा पा रहा अच्छे से, तो आपको अल्टरनेटिव सोर्सेस खुद से सोचने पड़ेंगे। आपको बुक्स देखना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन कोर्सेज देखने पड़ेंगे, आपको हो सकता है गूगल पे सर्च करना पड़े, ऐसी बहुत सारी चीजें, या किसी और टीचर की हेल्प लेनी पड़ेगी। एट द एंड ऑफ द डे, अगर आपका कोर्स खराब हो रहा है तो उसके लिए आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं। So that is the reason why हम अब कॉलेज के सिलेबस या टीचर्स पे बहुत ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते। दे आर डूइंग द जॉब, वो अपना काम कर रहे हैं, उनको उसके बदले में सैलरी मिलती है। बट आपको अपने लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं ना, एक बेस केक होता है, बट उस बेस केक के ऊपर के टॉपिंग्स बदलते ही उस केक का लुक बदल जाता है। तो हमें उस टॉपिंग्स को खुद से चूज करना है और अपनी टॉपिंग्स अच्छी बनानी है, सो दैट की बेस चाहे सेम हो लेकिन टॉपिंग से तो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अपने आप को। अब यहाँ पे दो मेन reasons है जिसके बारे में ये आपको मैं बताना चाहता हूँ कि why we should not rely on college more। मैं उतना ज्यादा rely करने क्यों नहीं कहता। It's an academic institution, बहुत अच्छी बात है, हम वहां पढ़ने जाते हैं, हम पढ़ भी रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। बट इसके अलावा भी हमारे लिए दो reasons मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा। फर्स्ट रीजन इज टू बी इंडस्ट्री रेडी, क्रिएट अ पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसा मैंने आपको जस्ट बताया कि अगर इंडस्ट्री और आप कॉलेज को देखेंगे ना, इनके बीच का गैप बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और उस गैप के लगातार बढ़ने की वजह से कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट होती जा रही है फॉर स्टूडेंट्स। बिकॉज एट वन एंड कॉलेज कुछ और पढ़ा देता है, एट अनदर एंड इंडस्ट्री कुछ और लेवल पे काम कर रही है, और उस चीज का हम कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं बना पा रहे। मैं सभी कॉलेजेस के बारे में ऐसा बात नहीं कर रहा, बट मेजोरिटी कॉलेजेस में ऐसा देखने को मिलता है। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो डेफिनेटली कॉमेंट सेक्शन में बताना कि आप क्या सोचते हो इसके बारे में। क्या आपके कॉलेजेस में क्या बिल्कुल हम इंडस्ट्री को मैच करके सिलेबस बना रहे हैं? क्या हम इंडस्ट्री से पूछ रहे हैं कि हमारा सिलेबस क्या होना चाहिए? ठीक है, क्या हम इतने अपडेटेड हैं? क्या हम इतना अपडेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, या हम खुद को अपडेट कर रहे हैं एज टीचर्स? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहां पर पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन अगर बनाना है, इंडस्ट्री के लिए रेडी होना है, तो आपको इंडस्ट्री की मूव को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इंडस्ट्री किधर जा रही है। अगर आप इंडस्ट्री के मूव को आइडेंटिफाई कर लेंगे, देयर इज डेफिनेटली एन हाई चांस फॉर यू कि आप वहां पर एक्सेल कर पाएंगे। सेकेंड रीजन इज टू क्रिएट अ सस्टेनेबल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। अब सस्टेनेबल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज क्या होता है, थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज होता है कि जब हम कॉम्पिटिशन से अहेड रह सकें, हम कुछ भी ऐसा कर सके जिससे कि हम कॉम्पिटिशन से अहेड रह पाए। ठीक है, सोनी अपने साउंड को बहुत अच्छा बनाता है, नोकिया टाइम पे बैटरी बहुत अच्छा बनाती थी। हर प्रोडक्ट के पास, हर कंपनी के पास कुछ ना कुछ अपना एक एडवांटेज होता है जिसकी वजह से लोग उस प्रोडक्ट को बाय करते हैं। तो सिमिलरली हमें कॉम्पिटेटिव एडवांटेज बनाना है अपना, और वो सस्टेनेबल भी होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें कोई ऐसा एडवांटेज नहीं बनाना कि वो आज तो एक्सेल कर जाए लेकिन कल ही हम फेल हो जाए। और कॉम्पिटेटिव एडवांटेज लगातार बनाए रखने के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग की रिक्वायरमेंट हो। आज कुछ पढ़ लेंगे, कल छोड़ देंगे, प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू वॉन्ट टू एक्सेल यू हैव टू लर्न एवरी डे, एवरी न्यू थिंग, एवरी न्यू डे शुड कम अप विद समथिंग न्यू लर्निंग इन योर लाइफ। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम प्रोफाइल को क्यों बनाते हैं। यहां पर ये चीज है, हमें इंडस्ट्री के लिए रेडी होना है, और उसमें हमें कॉलेज पर अपनी डिपेंडेंसी कम करनी है, कंप्लेनिंग बिहेवियर को छोड़ना है, और सोचना है कि ये तो हो रहा है, ठीक है, दैट्स गुड, बट इसका अगला लेवल क्या होगा और मैं कैसे अगले लेवल पे जा सकता हूं। वही लोग एक्सेल करेंगे जिनके पास थोड़ा विजन होगा, राइट? अब अगला जो क्वेश्चन होता है वो होता है हाउ, कि हम वाई
तो हमने जान लिया, लेकिन अब हम प्रोफाइल को कैसे बना सकते हैं वो भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट। और सबसे बड़ी बात यहां पर जो मुझे लगती है वो ये लगती है कि कोई भी हमें नहीं बताता। और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, लोग बताते तो जरूर है बट आपसे बहुत ज्यादा पैसा चार्ज करते हैं उसके बदले में, वो भी एक ऐसी चीज जो आपको करनी है, वो तो सिर्फ बताएगा आपको, आपको खुद से करनी है। तो इसी वजह से ये पूरा सेशन मैंने बनाया ही इसलिए है सो दैट कि आप समझ पाए कि प्रोफाइल बनाना कितना इंपॉर्टेंट है और आप किन किन कंपोनेंट्स को यूज करके अपने प्रोफाइल को बना सकते हैं। रैंडमली आप चीजें करते जाते हैं और आपको लगता है कि आपका प्रोफाइल बन रहा है, दैट इज नॉट अ गुड वे ऑफ डूइंग थिंग्स। यू नीड टू बी वेरी सिस्टमैटिक एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ योर प्रोफाइल इज बिल्डिंग अप। तो वो चीज कहीं ना कहीं आपके लिए जानना जरूरी है एंड दैट इज व्हाई दिस सेशन इज बीइंग कंडक्टेड। द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट आर इट्स कंपोनेंट, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं उसके बारे में बात करेंगे। एंड थर्ड इज हाउ टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन दोज कंपोनेंट्स, उन कंपोनेंट्स के बीच में हम बैलेंस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम उसके बारे में भी बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट कंपोनेंट। एंड जैसा कि मैंने आपको इस पिक्चर से आप देख सकते हैं, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा मैं किस कंपोनेंट की बात कर रहा हूं। द कंपोनेंट इज कॉल्ड CGPA। नाउ CGPA को बहुत ज्यादा वेटेज स्टूडेंट दे देता है और कहीं ना कहीं कॉलेज या टीचर्स भी आपको यही कहते हैं कि भाई बहुत अच्छी CGPA आपको लानी बहुत जरूरी है। बट टू बी रियली फ्रैंक विथ यू, आई बिलीव दैट इफ यू हैव अ CGPA ऑफ 7.5 to 8.5, अगर आप इस रेंज में कहीं लाए करते हैं तो यू आर गुड। आपको इतना, अगर इतना आप बना के चल रहे हैं तो इट्स अ गुड बैलेंस। इसके ऊपर अगर आप चल रहे हैं तो फिर आपको बहुत ज्यादा जस्टिफाई करना पड़ेगा अपने परफॉर्मेंस को, और अगर आप इसके नीचे चल रहे हैं तो आपको थोड़ा इंप्रूव करने की जरूरत है। अगर आप 6.5 पे हैं तो कोशिश करें कि उसको थोड़ा पुश करें, इसलिए नहीं क्योंकि वो आपके नॉलेज को बढ़ाता है, वो इसलिए, उसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूं। बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट बट इट इज नॉट एवरीथिंग, ये सब कुछ नहीं है लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट ओपन द डोर्स ऑफ एलिजिबिलिटी। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, दे शॉर्टलिस्ट पीपल बेस्ड ऑन CGPA। फॉर एग्जाम्पल, आपने आपका जो प्लेसमेंट प्रोसेस होता है उसमें फर्स्ट राउंड में क्या होता है, स्टूडेंट्स की मार्क्स मंगाए जाते हैं, उनका प्रोफाइल मंगाया जाता है और उनपे फिल्टर लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फिल्टर लगाया 7.5 प्लस CGPA वाले स्टूडेंट्स को प्रोफाइल कर दिया जाए, तो व्हाट विल हैपन, यू विल गेट रिजेक्टेड। इवन दो हो सकता है आपकी नॉलेज बहुत हो लेकिन आप रिजेक्ट हो जाएंगे बिकॉज आपकी CGPA उतनी ज्यादा नहीं है जो उस एलिजिबिलिटी को मेट कर पाए। तो एक बेस्ट बैलेंस अगर मैं कहूं दैट वुड बी 8 और 7.5 to 8.5, इसके बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश करें तो आपके लिए एक अच्छा कंपोनेंट होगा। ये सबसे पहला कंपोनेंट है। एक चीज और मैं ये बता देता हूं, इस प्रोफाइल के इस वाले कंपोनेंट को आप बनाते नहीं है, राइट? ये अपने आप बनता जाता है, लाइक आप पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं एंड इट कीप्स ऑन कंपाइलिंग ईयर बाय ईयर, सेमेस्टर बाय सेमेस्टर। तो अगर कोई 4 CGPA भी ला रहा है तो भी कंपाइल हो जाएगा, कोई 8 ला रहा है तो वो भी कंपाइल हो जाएगा। मतलब इसमें आपके कोई डायरेक्टली आप कोई एफर्ट नहीं करते, आप सीधा बस एग्जाम जो प्रोसेस चल रहा है उसी प्रोसेस को सब लोग फॉलो कर। लेट्स कम टू द सेकंड कंपोनेंट एंड दैट इज कॉल्ड द ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप कंपोनेंट। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बिकॉज 90% इंटरव्यूज में जाते हैं कि आपने अगर कोई ट्रेनिंग लगाई तो वो ट्रेनिंग क्या थी, ये सारी चीजें वहां पे डेफिनेटली पूछी जाती है। अब ट्रेनिंग जो होती है वो ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो होती है वो सबसे बेस्ट मानी जाती है। बेस्ट मानी जाती है मतलब व्हेन यू विजिट अ पर्टिकुलर कंपनी, पर्टिकुलर इंडस्ट्री, और आप वहां जाकर के कोई ट्रेनिंग लेते हैं। अब यहाँ पर मैं एक पॉइंट और क्लियर करना चाहता हूँ, जनरली स्टूडेंट ट्रेनिंग का मतलब समझता है जो थर्ड ईयर के बाद जो एक मैंडेटरी ट्रेनिंग होती है, हम उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा, वो फिर वही पैरिटी वाली बात है, वो तो सभी स्टूडेंट जाके लगाएंगे ही लगाएंगे। बट इसके बीच में फर्स्ट ईयर का समर ब्रेक आता है, विंटर ब्रेक आता है, समर ब्रेक फिर से आता है, विंटर ब्रेक आता है, मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो ओवरऑल आपके पास एक साल में अप्रॉक्सीमेटली 60 days हॉलीडेज होते हैं। सो दैट इज अ गुड टाइम टू अटेंड सम काइंड ऑफ इंटर्नशिप एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। 15 दिन का मिल जाए, 20 दिनों का मिल जाए, 1 महीने का मिल जाए, पेड मिल जाए, नॉन पेड मिल जाए, किसी भी तरह का मिले वो आपके प्रोफाइल में एड ऑन करेगा। अगर वो इंडस्ट्री में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट करंटली जो सिचुएशन चल रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन, ऑब्वियसली वी आर नॉट एबल टू गो टू इंडस्ट्रीज एंड इवन इंडस्ट्रीज आर नॉट इन्वाइटिंग अस। सो इन दैट सिचुएशन यू हैव ऑल द ऑप्शंस ऑफ ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। अगर आपको ऑनलाइन कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम मिल जाता है तो डेफिनेटली उसको लगाएं, अगर कोई इंटर्नशिप प्रोग्राम्स मिल जाते हैं तो भी उसको लगाएं। एक पॉइंट से मैं आपको यहां पर बचाना चाहता हूं, जो मुझे लगता है कि आजकल बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को उसमें फंसाया जा रहा है, तो मैं उस चीज से आपको थोड़ा यहां पर बताना चाहता हूं। राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग, लाइक इफ यू लुक एट इंटर्नशाला और यू लुक एट सम काइंड ऑफ लिंक्डइन पे भी बहुत ज्यादा इस तरह की इंटर्नशिप्स आती है, उसमें बहुत सारी कंपनीज आपको एज एन इंटर्न हायर करती है, बट एक्चुअली जो उनकी इंटर्नशिप है दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन मार्केटिंग एंड सेल्स ओनली। उस चीज को मैं इंटर्नशिप एज इट इज नहीं देखता,
क्योंकि वहां पर कुछ एज सच हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। तो वहां पर आप सेल्स कर रहे हैं तो वो मैनेजमेंट के एक्सपीरियंस में हो सकता है काउंट कर जाए, बट हो सकता है एज अ ट्रेनिंग वो कितना काम करेगा या नहीं काम करेगा वो पता नहीं। लेकिन हाँ, आप उसको भी कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं मैं वो बता देता हूं। आप अगर कोई भी चीज कर रहे हैं, आप उसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश, एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम और एनी इंटर्नशिप प्रोग्राम, इफ इट डजंट हैव द प्रोजेक्ट पार्ट, अगर उसमें प्रोजेक्ट वाला पार्ट आपको नहीं मिलता, दैट मीन्स कि वो इनकम्प्लीट है। क्योंकि ट्रेनिंग का मतलब ही होता है कि यू हैव एंडेड इन अ ट्रेनिंग प्रोजेक्ट। आपने ट्रेनिंग किया और आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, आपने इंटर्नशिप की और आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, तो ऑब्वियसली दैट इज वन थिंग दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। लेट्स कम टू द थर्ड कंपोनेंट, और थर्ड कंपोनेंट जो कि बहुत फेमस कोर्सेज में जो एक मेजर प्रॉब्लम है देख रहा हूं स्टूडेंट्स के साथ, दैट इज टू मच और टू लेस। या तो कोई स्टूडेंट है वो इतने सारे ऑनलाइन प्रोग्राम लगा दे रहा है कि ही इज मोर लाइक अ रोबोट नाउ, या तो मुझे कई बार ऐसा भी लगता है कि स्टूडेंट बस प्ले करके सो जाता है और जब सुबह उठता है तो पता चलता है कोर्स कंप्लीट हो गया, सर्टिफिकेट आ गया। सो दैट इज ऑल्सो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर डूइंग, कोई फायदा नहीं होने वाला। सेकंड, टू लेस, मतलब स्टूडेंट फोकस ही नहीं कर रहा, वो ये सोच रहा है कि यार इतने पैसे खर्चने ही क्यों है, तो वो फोकस ही नहीं कर रहा, वो अचीव करने की कोशिश ही नहीं कर रहा उस चीज को, तो वो छोड़ दे रहा है। तो ये दोनों ही गलत आइडियाज हैं, एक बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों के इश्यूज अपने अपने इश्यू, वी मस्ट स्ट्राइक द बैलेंस, जैसा मैंने आपसे कहा। अब ये बैलेंस आपको बनाना कैसे, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा कि आप ऑनलाइन कोर्सेज को जब ले रहे हैं या बाय कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, तो आपका प्रोफाइल किस तरह का होना चाहिए, उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बात करता हूं। फर्स्ट थिंग इज कोर कोर्सेज, जो भी आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट एरिया है, फॉर एग्जाम्पल somebody इज फ्रॉम फूड टेक्नोलॉजी, somebody इज फ्रॉम ICE, somebody इज फ्रॉम मैकेनिकल, somebody इज फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, तो इन लोगों, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम फ्रॉम मैकेनिकल आई मे लुक इनटू ऑटोकैड और मे बी अ डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, इफ आई एम फ्रॉम कंप्यूटर साइंस आई कैन लुक इनटू पाइथन और आई कैन लुक फॉर एनी अदर सॉफ्टवेयर विच इज वेरी फेमस इन माई फील्ड, इफ आई एम फ्रॉम फूड टेक्नोलॉजी आई कैन लुक फॉर सप्लाई चेन मैनेजमेंट, आई कैन लुक फॉर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, सिक्स सिग्मा, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके कोर फील्ड में आपको मिल जाएंगी। तो पहला बैलेंस जो आपको बनाना है वो कोर फील्ड में बनाना है, और उसका जो बैलेंस मैं रखूंगा दैट विल बी अराउंड 30%। 30% आपके ऑनलाइन कोर्सेज का एलिमेंट आपके कोर एरिया से आना चाहिए, दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज मैनेजमेंट के ऑनलाइन कोर्सेज लगाएं। मैनेजमेंट के ऑनलाइन कोर्सेज किस तरह के होते हैं, पीपल स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, फाइनेंशियल स्किल्स, इकोनॉमिक स्किल्स, इस तरह के जो बेसिक चीजें होती हैं, 5% के एलिमेंट को बैलेंस करें। बिकॉज राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग, इवन इफ यू आर इंजीनियरिंग स्टूडेंट और इवन इफ यू आर अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट्स, पीपल आर एक्सपेक्टिंग यू टू हैव गुड मैनेजमेंट अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि कहीं ना कहीं एज एन इंजीनियर आप जो भी बना लें, कोई ना कोई जब तक उसको बेचेगा नहीं वो मार्केट में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मैनेजमेंट के कंपोनेंट पे भी फोकस करें। ओके, देन हियर कम्स द थर्ड थिंग, दैट इज लेटेस्ट एंड अपकमिंग टेक्नोलॉजीज। अब आप देखें कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज क्या आ रही हैं और उसको मैं कैसे सीख सकता हूं, उस पर मुझे क्या कोर्सेज लगाने की जरूरत है। अब इसमें आपके पास दोनों ऑप्शन हैं, आप चाहें तो मैनेजमेंट के लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को भी देख सकते हैं, आप कोर कोर्सेज के भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को देख सकते हैं, या फिर आप कोई अनरिलेटेड टेक्नोलॉजी को भी देख सकते हैं जो डायरेक्टली आपके फील्ड से रिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग, फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फॉर एग्जाम्पल डाटा एनालिटिक्स, फॉर एग्जाम्पल डाटा साइंस, फॉर एग्जाम्पल लॉट ऑफ थिंग्स विच आर कमिंग अप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर, और मे बी ब्लॉग राइटिंग, कॉन्टेंट डेवलपमेंट, वीडियो एडिटिंग, कुछ भी हो सकता है। लाइक इट शुड नॉट बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर, बट अगर कुछ भी एक्स्ट्रा स्किल हम बनाते हैं बेस्ड ऑन एन ऑनलाइन कोर्स, तो उसके मैं कंपोनेंट को 20% का वेटेज यहां पे देता हूं। एंड देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिस पे कोई फोकस नहीं करता, एंड दैट इज कॉल्ड योर बेसिक स्किल्स। अब बेसिक स्किल्स क्या होते हैं पहले मैं आपको समझा देता हूं। अब किसी का भी प्रोफाइल मैं देखता हूं, किसी भी स्टूडेंट का रिज्यूम देखता हूं, उसमें तीन पॉइंट मुझे डेफिनेटली नजर आते हैं। हमें वर्ड आता है, हमें एक्सेल आता है, हमें पावर पॉइंट आता है, हमें एक्सेस आता है, हमें डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आता है, हमें फोटोशॉप आता है, हमें कोरल ड्रॉ आता है, ऐसी बहुत सारी चीजें लिखी हुई होती हैं जिसमें से स्टूडेंट को शायद कुछ भी ठीक से नहीं आता हो। मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, प्रेजेंटेशन बनाना जरूर सीख लें, अदरवाइज आप इंडस्ट्री में जाकर आपको बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ेगा। एक अच्छा प्रेजेंटेशन बनाना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक्सेल के स्किल्स बहुत सीख लें, बिकॉज 90% टाइम्स ऐसा होता है कि हम एक्सेल पे ही काम कर रहे होते हैं अपने कैरियर के पहले दूसरे साल, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह के जो बेसिक स्किल्स हैं उसको आप इग्नोर मत करें और उसका 10% का एलिमेंट यहाँ पे रखें।
तो इससे आपका एक पूरा प्रोफाइल क्रिएट हो जाता है। कुछ कोर कोर्सेज को इन्वॉल्व करें, कुछ मैनेजमेंट कोर्सेज को इन्वॉल्व करें, कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के ऊपर कोर्सेज करें और कुछ बेसिक स्किल्स के ऊपर काम करें, तो आपका एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज। तो दिस इज द थर्ड कंपोनेंट। लेट्स कम टू द फोर्थ कंपोनेंट एंड दैट इज कॉल्ड वर्कशॉप्स। नाउ वर्कशॉप्स जो है बहुत सारे कॉलेजेस खुद भी कंडक्ट कराते हैं, प्लस डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस टाइम टू टाइम वर्कशॉप्स को कंडक्ट कराता है। वर्कशॉप 3 डेज के हो सकते हैं, 5 डेज के हो सकते हैं, 7 डेज के हो सकते हैं, कई बार 15 डेज के भी वर्कशॉप्स होते हैं। वर्कशॉप लगाने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कोई सॉफ्टवेयर के ऊपर हो रहा है तो आप उस सॉफ्टवेयर को सीख सकते हैं। प्लस में दो बातें जो बहुत अच्छी होती हैं वो ये होती हैं कि जनरली जो वर्कशॉप्स कंडक्ट कराई जाती हैं वो अच्छी यूनिवर्सिटीज कराती हैं और उसमें जो पढ़ाने वाले लोग होते हैं दे आर ऑल्सो वेरी एमिनेंट, तो इस वजह से आपको सीखने का अच्छा खासा मौका मिलता है। प्लस आप लोगों से भी कनेक्ट कर पाते हैं फ्रॉम डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट कॉलेज डिफरेंट इंडस्ट्री, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है उन लोगों के थ्रू, एक नया नेटवर्क क्रिएट होता है। आज की डेट में मैं कहता हूँ इफ यू वर्क और यू डोंट वर्क बट यू वी मस्ट नेटवर्क, आप काम करो या ना करो बट अच्छा नेटवर्किंग बनाओ, क्योंकि नेटवर्किंग आपके बहुत काम आता है इन टर्म्स ऑफ रेफरल इन टर्म्स ऑफ रिकमेंडेशन। कोई आपके लिए 2 शब्द भी लिख देता है ना तो आपकी गेम बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट के बारे में मेरे से किसी ने पूछा और मैंने से 2 लाइन बोला, मैंने कहा यार स्टूडेंट अच्छा है, जो मर्जी को अच्छी मेहनत करता है, इज अ हार्ड वर्किंग गाय, तो उसका जो इंप्रेशन क्रिएट होता है वो आप 100 बार किसी को रेज्यूम भेजेंगे ना तो भी वो काम नहीं बनेगा। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम नेटवर्किंग करें और बिल्डिंग करें उस चीज पर, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक पॉइंट और क्लियर करता हूँ, अपने कॉलेज से बेटर होगा अगर दूसरे कॉलेजेस के लगाएं तो ज्यादा बेटर होगा। उसका रीजन क्या होता है, अपने कॉलेजेस के डिग्रीज या सर्टिफिकेट्स को ना बहुत ज्यादा इंडस्ट्री वैल्यू नहीं करती, इंडस्ट्री को यह लगता है कि ऑर्गेनाइजर भी ये खुद ही होते हैं, खुद ही पार्टिसिपेंट भी बन जाते हैं एंड दे फाइनली गेट द सर्टिफिकेट ऑल्सो। सो इट इज बेटर दैट यू टारगेट सम अदर कंपनीज, अदर जहाँ पे भी वर्कशॉप्स हो रही है उनको आप कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें। कोई ज्यादा महंगा नहीं होता, सस्ता सा होता है, 500-600 रुपए का वर्कशॉप आपको आसानी से मिल जाएगा, आप आराम से वर्कशॉप्स लगा सकते हैं। अगेन ऑनलाइन वर्कशॉप्स आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं, बहुत सारे कॉलेजेस ऑनलाइन वर्कशॉप्स करा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड पे करा रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज भी करा रही है, तो वो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। कोर सब्जेक्ट्स में हमें फिर वही चीजों का ध्यान रखना है, वर्कशॉप आप कोर सब्जेक्ट से देख सकते हैं, मैनेजमेंट से देख सकते हैं या लेटेस्ट और अपकमिंग टेक्नोलॉजी से देख सकते हैं। जिस भी चीज पर वर्कशॉप मिलता है इस वर्कशॉप को डेफिनेटली यूटिलाइज करें और अपने प्रोफाइल में ऐड करें। Let's come to the fifth component and that is the like one of those components जो कि 99% student के profile में नहीं मिलता, that is called research work. Research work एक ऐसा component है जो student अपने profile में बिल्कुल add नहीं करता। Undergraduates का focus 0 होता है research के ऊपर और वो एक ऐसा component होता है जिसको हम completely miss out कर जाते हैं। Why this happens? Because हमें किसी ना किसी तरह का इंडस्ट्री रिसर्च या एकेडमिक रिसर्च डेफिनेटली करना चाहिए। अब इंडस्ट्री और एकेडमिक रिसर्च का डिफरेंस भी मैं आपको समझाना चाहता हूँ। द डिफरेंस हियर इज दैट इंडस्ट्री रिसर्च, गो टू एन इंडस्ट्री, व्हेन यू गो टू अ कंपनी, यू अटेंड अ ट्रेनिंग, यू अटेंड एन इंटर्नशिप फॉर 1 मंथ 1.5 मंथ, देन यू मेक अ प्रोजेक्ट, यू मेक अ रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन दैट एंड दैट इज कॉल्ड योर इंडस्ट्री रिसर्च प्रोजेक्ट। अदरवाइज एज अ स्टूडेंट इन अ कॉलेज यू कैन ऑल्सो कंडक्ट वेरियस एकेडमिक रिसर्च प्रोजेक्ट जो आप आसानी से कॉलेज में रहकर कर सकते हैं। इसको करने का बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप अपने काम को ना ही सिर्फ रिसर्च वर्क करें बल्कि उसको पब्लिश कराने की कोशिश करें। नाउ व्हाई पब्लिशिंग इज इंपॉर्टेंट, पब्लिशिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट सर्टिफाइज योर वर्क फ्रॉम एन इंटरनेशनल एजेंसी। सो व्हेन एन इंटरनेशनल एजेंसी सर्टिफाइज योर वर्क दैट मींस यू हैव रियली डन अ गुड वर्क। सो इफ यू हैव डन एनी काइंड ऑफ रिसर्च वर्क ट्राई टू पुश योर पेडल, वर्क हार्ड एंड गेट इट published, because if it get published you will definitely create that point of differentiation which nobody has in their profile. Very very important point. Third point is you can obviously aap akele is kaam ko shuru nahi kar payenge, so you need some guidance, so you can take help from your seniors jinhone koi research work kiya hai or you can do take help from your teachers. Aap apne teachers ki help le sakte hain because teachers are generally good with research work. Kafi sare teachers acche hote hain research work mein aur unka focus bhi hota hai research work pe, to aap unke sath unke academic projects pe kaam kar sakte hain अगर आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट से बिवेयर कराना चाहता हूँ, एंड द पॉइंट इज बिवेयर ऑफ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज। फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज का क्या मतलब है, देयर आर सो मेनी पीपल इन दिस टीचिंग इंडस्ट्री जो आपके काम को अपने नाम पे पब्लिश करा देते हैं और आपका नाम आता भी नहीं है, और इसी वजह से स्टूडेंट के साथ अक्सर धोखा हो जाता है इस तरह के काम में। तो मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा उन्हीं लोगों पर भरोसा करें जिन पर आप सच में जिन पर आप ट्रस्ट करते हैं और उन्हीं लोगों के साथ अपना आइडिया भी शेयर करें। सो डू बीवेयर ऑफ
और मेरे स्टूडेंट्स के साथ भी हुआ है एक दो बार, तो मैं ये कहता हूँ यार थोड़ा सा बच के चलो, बिकॉज आपको नहीं पता कि आपने जिस चीज पे इतनी मेहनत की है वहां पर आपका नाम भी ना आए, ये कंप्लीटली पॉसिबल है इस फील्ड में। लेट्स कम टू द सिक्स्थ कंपोनेंट, एंड द सिक्स्थ कंपोनेंट इज कॉल्ड कॉन्फ्रेंसेस। अब अगला जो कंपोनेंट आप यूज कर सकते हो वो कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड कर सकते हो। अब कॉन्फ्रेंसेस अगेन डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस तो कराते ही कराते हैं, यूनिवर्सिटीज तो डेफिनेटली कंडक्ट कराती है, बट इसके अलावा यू हैव लॉट ऑफ अदर प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो, लाइक CII कराता है, लाइक फिकी कराता है, लाइक SEBI कराता है, NABARD कराता है, देर आर सो मेनी एजेंसीज ऑल्सो जो ICMR कराती है बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस। तो इस तरह के बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस की एजेंसीज हैं जो बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस कंडक्ट कराती रहती है। मैं एक लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगा जो कि आपको सारे कॉन्फ्रेंसेज जो अपकमिंग कॉन्फ्रेंसेज हैं वो अपडेट होता रहता है वहां पे, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं कि किस तरह के कॉन्फ्रेंसेज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगेन नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरह के कॉन्फ्रेंसेज आपको मिल जाते हैं, यू कैन पार्टिसिपेट इन आइदर ऑफ दीज, आप किसी में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसकी भी ठीक ठाक मिनिमम सी फीस होती है जिसको आप दे सकते हैं और देकर उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगेन ट्राई टू डू नॉन कोर कोर एरियाज से भी आप कॉन्फ्रेंसेज को लगा सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो अटेंड इट फ्रॉम द नॉन कोर एरियाज, दोनों जगह से आप इसको यूज कर सकते हैं। अगेन ट्राई टू प्रेजेंट योर रिसर्च वर्क इन कॉन्फ्रेंसेज में, सिर्फ पार्टिसिपेंट मत बने, यहाँ पर अपने काम को प्रेजेंट भी करें, बिकॉज इफ यू आर प्रेजेंटिंग दैट, अगर आप उसको प्रेजेंट करते हैं तो डेफिनेटली उसका फायदा आपको बहुत मिलेगा, बिकॉज दो बड़े फायदे होते हैं प्रेजेंटेशन के। फर्स्ट, यू गेट अ फीडबैक फ्रॉम द पैनल, जो पैनल वहां पे बैठा होता है वो आपको अच्छा खासा फीडबैक दे देता है आपके रिसर्च वर्क पे, सो दैट इज वन थिंग जो आपके एक्सपोजर को काफी बढ़ाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज यू गेट ऑल्सो पब्लिकेशन फ्रॉम कॉन्फ्रेंसेस, कॉन्फ्रेंसेस की जो बुक्स पब्लिश होती है वहां पर भी पब्लिकेशन आपको मिल जाता है, तो ये दोनों बेनिफिट्स आप यहाँ पर ले सकते हैं। एंड दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट एंड लीडरशिप स्किल्स, ये भी हमें हमारे लिए काफी जरूरी है। मैंने पहले भी आपसे कहा वी आर लुकिंग फॉर टेक्नोक्रैट्स, वी आर लुकिंग फॉर पीपल आर टेक्नो मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स, हमें कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की जरूरत है जिनमें सिर्फ हम आज के इंजीनियर नहीं कल के फ्यूचर लीडर भी देख रहे हैं। तो अगेन वहां पर हमें क्या करना है, इसके लिए हमें कोई कोर्स नहीं लगाना, इसके लिए हम कुछ इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करेंगे और वो इवेंट हमें बहुत कुछ सिखाता है, इवेंट मैनेजमेंट सिखाता है। फॉर एग्जाम्पल लुक एट कनिष, कनिष ने ये सारा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, इतनी मेहनत की, सबको रजिस्टर किया, सब लिंक जनरेट किए, मेरे को काफी दिनों से पुश कर रहा था कि सर इसको शुरू करें। दैट मीन्स द रीजन हियर इज इफ यू आर ऑर्गेनाइजिंग समथिंग यू मे बी लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स जो शायद आपने पहले नहीं सीखा होता। एटलीस्ट इवेंट में आप एक चीज तो सीख ही जाते हैं, दैट इज कॉल्ड क्राइसिस मैनेजमेंट। तो क्राइसिस मैनेजमेंट को अगर सीखना है तो किसी इवेंट में कूद पड़े और अपने आपको आपको काफी जूते पड़ते हैं इवेंट में, क्योंकि अब जो भी कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं वो कभी 100% परफेक्ट तो होता नहीं है, तो लोग आपको अच्छा खासा अच्छी खासे आपको शब्द सुनाते हैं। ओके, बाय पार्टिसिपेटिंग इन द वेरियस सोशल एंड कॉलेज एक्टिविटीज, कॉलेज में जो भी क्लब्स हैं एक्टिविटीज हैं वहां पे थोड़ा सा, अब यहां पर ये पॉइंट ना मैं फिर से थोड़ा सा यहां पे एक्सप्लेन करना चाहता हूं। द एक्सप्लेनिंग पॉइंट हियर इज दैट व्हेन आई से दैट यू जॉइन सम क्लब्स, दैट डजंट मींस दैट यू शुड जॉइन ऑल द क्लब्स, बिकॉज आई हैव सीन स्टूडेंट, जैसे ही मैं उनको ये कहता हूं कि भाई तुम्हें कोई क्लब पे अटेंड करना चाहिए, तो वो अगले दिन जाकर ड्रामा में, म्यूजिक में, लिटरेरी क्लब में, स्पोर्ट्स क्लब में, जिम क्लब में, हर वो क्लब जो कॉलेज में है सब में जाके अपना नाम लिखा आता है। इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट choose or pick any one or two clubs where you are interested, which matches with your hobbies and your interest, और वहां पर जाकर आप काम करें, चाहे वो social group भी हो सकता है। हमारे college में एक social group बहुत active रहा है और वो काफी सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वो एक अच्छा एक्टिविटी है, उसमें काफी सारे बच्चे इन्वॉल्व रहते हैं, तो दैट इज वेरी गुड। तो आप उस एक्टिविटीज को आप इनिशिएट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग रेड क्रॉस से जुड़े हुए हैं, ब्लड कैंप से जुड़े हुए हैं, पेड़ लगाने से जुड़े हुए हैं, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज कॉलेज में होती रहती है, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑब्वियसली स्पोर्ट्स एंड हॉबीज आर ऑब्वियसली कुड बी वन ऑफ लीडिंग अ टीम इज एन इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन और बिल्डिंग पीपल स्किल्स। लीडिंग कोई भी टीम को जब आप लीड करते हैं तो दो चीजें जो डेफिनेटली आप सीख लेते हैं, वन इज कॉल्ड योर टीम स्किल्स एंड अदर इज कॉल्ड योर पीपल स्किल्स। तो ये दोनों चीजें, कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा होता है, लोगों को मैनेज करना, एक बात हमेशा याद रखिएगा, इट इज नॉट द वर्क विच इफेक्ट्स यू, इट इज द वर्किंग स्टाइल ऑफ द पीपल हु इफेक्ट। किसी से एक बार काम लेके तो दिखाएं, फिर आपको पता चलेगा काम लेना कितना मुश्किल है। ओके, बिकॉज अगर आप किसी को प्यार से बोलते हैं तो वो आपको फॉर ग्रांटेड ले लेता है, अगर आप किसी को डरा कर बोलते हैं तो वो कहता है इसने मुझे डराया क्यों, मैं तो काम करूंगा नहीं अब। सो दिस इज द रीजन वाई इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज पीपल प्रॉब्लम्स विच वी फेस इन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो दीज वर माई 7 कंपोनेंट्स, आई जस्ट गिव यू अ रिविजन। CGPA आपको 7.5 से 8.5 के बीच में रखनी है, दैट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एंड प्रोजेक्ट शुड बी योर फोकस, आइदर यू आर डूइंग ऑनलाइन प्रोग्राम और आइदर यू आर डूइंग ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। ऑनलाइन कोर्सेज में ट्राई टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन कोर, मैनेजमेंट, बेसिक स्किल्स एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज।
इनके ऊपर फोकस रखें. वर्कशॉप्स में ट्राई टू पार्टिसिपेट इन डिफरेंट कॉलेज वर्कशॉप्स एंड ट्राई टू इन्वेस्ट 3 to 7 days का कोई वर्कशॉप मिल जाए, दैट्स रियली गुड. एक सेमेस्टर में एक भी करेंगे तो काफी हेल्प मिल जाएगी. रिसर्च वर्क, अगर आपके पूरे इंटायर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एक भी रिसर्च वर्क पब्लिश हो जाता है, दैट इज लाइक 100 times मोर देन वॉट एवर यू आर डूइंग इन ऑल द अदर कंपोनेंट्स. इसका बहुत वेटेज मिलता है आपके हायर एजुकेशन में भी. इफ यू आर अप्लाइंग फॉर मास्टर्स, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर MBA, यू आर अप्लाइंग फॉर MTech, यू आर अप्लाइंग फॉर MS इन फॉरन यूनिवर्सिटी, उनमें इस चीज का बहुत वेटेज आपको मिलता है. कॉन्फ्रेंसेज, अगेन यू कैन पार्टिसिपेट इन द कॉन्फ्रेंसेज एंड लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्टाइल और स्किल्स बाय ऑर्गेनाइजिंग वेरियस इवेंट्स. सो दीज आर द 7 components. इसका एक बैलेंस बनाए और अपने प्रोफाइल में चेक करें, अपने रिज्यूम में चेक करें कि इनमें से कौन सी चीज कम है, कौन सी चीज ज्यादा है, कौन सी चीज है ही नहीं, और उन कंपोनेंट्स को अच्छा बनाने की कोशिश करें. अगर प्रोफाइल आपका अच्छा होगा तो डेफिनेटली स्टूडेंट के जब हम प्रोफाइल को देखते हैं तो वी ट्राई टू स्ट्राइक अ बैलेंस, वी ट्राई टू फाइंड अ. सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई प्रेजेंटेशन. अब मैं आपके कुछ क्वेश्चन लेना चाहूंगा.